हेलो फ्रेंड, बहुत बहुत स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल के अंदर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में यहाँ पर मेरे पास ये आईटेल का एक फ़ोन आया हुआ जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा फ्रेंड। और इसका जो मॉडल है आईटेल का A21, मतलब A21 मॉडल है। और इसके अंदर जो प्रॉब्लम है वो FRP का प्रॉब्लम जो है इसके अंदर लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको एक बार पूरा क्लियरली कर देता हूँ कि इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अभी देख, तो यहाँ पर मेरा जो वाईफाई है मैंने ऑटोमेटिक यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है, तो आपको भी वाईफाई कनेक्ट कर लेना है। और यहाँ पर आप देख सकते हो इसके अंदर जो प्रॉब्लम है वेरीफाई और अकाउंट का, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्रॉब्लम है वो FRP का प्रॉब्लम है, ठीक है। तो आज का ये वीडियो पूरा देखो, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं जो हूँ इसको विदाउट बॉक्स जो है रिमूव करने वाला हूँ ये FRP को। और ये आईटेल का फ़ोन है A21, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो कर देना चैनल को सब्सक्राइब और दबा देना बेल आइकन को, क्योंकि मैं हमेशा आप लोग के लिए ऐसी वीडियो जो है हमेशा बनाते रहते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो FRP प्रॉब्लम है। चलिए ज़्यादा देर नहीं लेंगे, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सिंपली जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसके अंदर जो प्रॉब्लम है FRP का प्रॉब्लम लगा हुआ है। तो यहाँ पर मैं एक बार फिर से आगे नेक्स्ट करके आगे फिर से आपको एक बार क्लियरली दिखा देता हूँ। और मैंने आपको इसका जो मॉडल है वो भी मैंने आपको जो यहाँ पर बता दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख लो, ये आईटेल का मोबाइल था और इसके अंदर जो प्रॉब्लम है वेरीफाई और अकाउंट का प्रॉब्लम था, FRP का प्रॉब्लम अभी भी है, ठीक है। तो किस तरीके से रिमूव करना उसी के बारे में मैं जो इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। तो यहाँ पर हमारा फ़ोन देख सकते हो FRP लगा हुआ, तो फ़ोन को हम रखते हैं यहाँ पर साइड में। और साइड में रखने के बाद चले आते हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पर। यहाँ पर आने के बाद देख, तो यहाँ पर मिरेकल क्रैक का 2.82 का मेरे पास ये क्रैक वर्जन है। तो मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ और डबल क्लिक करने के बाद ये जो क्रैक वर्जन है उसको सिंपली ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर अभी मैंने डबल क्लिक किया और ये अभी ओपन होने वाला है। जैसे ये ओपन हो जाएगा उसके बाद हमको किस तरीके से करना वो मैं आपको पूरा बताने वाला हूँ वीडियो में, तो वीडियो को पूरा देखिए, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली देख सकते हो मेरा जो क्रैक वर्जन है वो ओपन हो चुका है, ठीक है ना। तो आपको FRP अनलॉक करने से पहले या सॉफ्टवेयर की फ्लैशिंग करने से पहले आपको पता करना पड़ेगा कि आपके फ़ोन में कौन सी IC लगी हुई है, ठीक है। तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हो CPU टाइप करके आपका मॉडल के हिसाब से, ठीक है ना। तो चलो इसके अंदर SPD की IC लगी हुई, तो यहाँ पर SPD पे सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ SPD पे और उसके बाद यहाँ पर आपको जो EMMC का जो नंबर होता है वो आपको चॉइस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इसके अंदर EMMC लगा हुआ है 9830, तो इसमें मैं क्लिक कर देता हूँ। 9830 9822 आ चुका है, सॉरी। तो यहाँ पर हमको जो 9830 है, सॉरी कहाँ गया, 9830, इस पर हमको जो है 9830 यहाँ पर है। तो 9830 पर मैं क्लिक करता हूँ, उसके बाद सिंपली यहाँ पर देख सकते हो FRP का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। तो इस पर आपको क्लिक करना है और उसके बाद सिंपली जो है आपको यहाँ पर जो है स्टार्ट दे देना, ठीक है। तो स्टार्ट देने के बाद, तो सिंपली स्टार्ट देना और स्टार्ट देने के बाद यहाँ पर हमारा फ़ोन है देख सकते हो आप यहाँ पर चालू है अभी FRP पे है। तो इसको अभी यहाँ से हम ऑफ़ कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने अभी फ़ोन को ऑफ़ कर दिया और यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसके अंदर जो है मैंने स्टार्ट बटन दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद सिंपली करना है क्या, वॉल्यूम अप वाला बटन इसको सिंपली प्रेस करके आपको डाटा केबल इसके अंदर लगा देना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने डाटा केबल लगा दिया वॉल्यूम प्रेस करके, तो मैं वॉल्यूम अप प्रेस करके मैंने डाटा केबल लगाया और यहाँ पर देख सकते हो फेल हो चुका है। यहाँ पर देखो USB नॉट रिक्वायर्ड आ गया था, इसलिए फेल आ गया, ठीक है। तो चलो इसको निकाल देते हैं फिर से और यहाँ पे इसको स्टॉप करके फिर से स्टार्ट देते हैं एक बार और फिर से इसका वॉल्यूम अप को प्रेस करके यहाँ पर फिर से डाटा केबल लगा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से फिर से मैंने डाटा केबल लगा दिया है, तो अभी ये नहीं लेगा। इसकी जो बैटरी उसको सिंपली पहले खोल देना, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसके बैटरी को थोड़ा रिमूव कर देता हूँ। इसका मॉडल यहाँ पर देख लो, एक ऐसा आ रहा है। तो यहाँ पर इसके बैटरी लगा देना, फिर से इसके ढक्कन इसका जो कवर है उसको लगा के, और स्टार्ट बटन यहाँ पे मैंने दिया हुआ देखो, तो यहाँ पर फेल हो गया था अभी आके। तो फिर से वॉल्यूम अप को प्रेस करके यहाँ पर डाटा केबल इसके अंदर फिर से लगा देना, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लगा दिया है, तो अब यहाँ पर देख सकते हो आगे ये लेगा, सॉरी ये तो फेल हो, यहाँ पर स्टार्ट बटन फिर से एक बार देना है आपको। यहाँ फिर से स्टार्ट बटन देते और फिर से यहाँ पर वॉल्यूम अप प्रेस करके यहाँ पर जो डाटा केबल लगा देना, ठीक है। तो यहाँ पर देखो फिर से ये ले रहा है, यहाँ पर देख सकते हो ये ले रहा है अभी। तो यहाँ पर देख, तो ये ऑप्शन लिखा हुआ है यहाँ पर हो चुका है 100% डन, ठीक है। तो यहाँ पर देखो रिसेट FRP यहाँ पर लिखा हुआ आ चुका, फ़ोन हमारा ऑटोमेटिकली चालू जो है हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको एक बार जो है फिर से पूरा क्लियर कर देता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर जो है डन हो चुका हमारा रिसेट FRP डन, और यहाँ पर हमारा जो फ़ोन है वो ऑटोमेटिकली चालू हो चुका है, ठीक है ना। तो एक दो बार ट्राई करना, हो सकता नहीं ले तो मेरा थोड़ा चार्जिंग इसका पिन प्रॉब्लम है, इसलिए थोड़ा ये छोड़ पकड़ कर रहा था, ठीक है ना। तो खैर इसी तरीके से आपको करना है। यहाँ पर आप देख सकते हो 100% जो है हमारा जो FRP है वो यहाँ पर रिसेट डन हो चुका है, ठीक है। मिरेकल क्रैक है 2.82 विदाउट बॉक्स है, ठीक है ना। देख सकते हो यहाँ पर कोई भी बॉक्स नहीं लगा हुआ है, मेरे लैपटॉप है और यहाँ पर फ़ोन भी चालू हो चुका है, ठीक है। तो फ़ोन चालू हो चुका है, तो उसके बाद सिंपली करना क्या है आपको, यहाँ पर नेक्स्ट कर देना है। स्टार्ट बटन दे देते हैं यहाँ से हम। तो यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया और यहाँ से सिंपली देखो ऐसा ऑप्शन आ चुका है। तो आप डाटा केबल को इसका बाहर कर सकते हो, डाटा केबल में बाहर कर लेता हूँ यहाँ से। यहाँ से मैंने डाटा केबल को बाहर कर लिया है और बाहर करने के बाद यहाँ पर स्किप पे क्लिक करता हूँ।
और यहाँ पर देखो यहाँ पर बोला जा रहा है 2 मिनट वेट करने के लिए, तो ज़्यादा देर टाइम नहीं लगाएगा आपको, थोड़ा सा वेट यहाँ पर भी कर लेना। देखो यहाँ पर सॉफ्टवेयर अपडेट का ऑप्शन आ चुका है यहाँ पर, चेक इन्फो यहाँ पर देखिए, तो इस तरीके का ऑटोमेटिकली ऑप्शन आ गया, तो आपको नो थैंक्स क्लिक करके यहाँ पर नेक्स्ट कर देना है, ठीक है। तो नेक्स्ट करने के बाद फिर से चेकिंग इन्फो आएगा, यहाँ पर फिर से थोड़ा सा वेट करना है आपको, तो यहाँ पर थोड़ा सा वेट कर लेना आपको भी। तो यहाँ पर देख सकते हो उस टाइम वेरीफाई आ रहा था, आपको डिस्प्ले पे दिख रहा होगा उस टाइम वेरीफाई आ रहा था, अभी देखो यहाँ पर स्किप का बटन आ चुका है, यहाँ पर साइन इन का ऑप्शन अभी आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से स्किप पे हम क्लिक कर देते हैं और यहाँ पर फिर से इसके स्किप पे क्लिक कर देते हैं, उसके बाद सिंपली हमको नेक्स्ट कर देना है आपको, और यहाँ पर नॉट नाउ पर क्लिक कर देना, फिर से यहाँ पर इसको हटा के यहाँ से स्किप कर देना, ठीक है। स्किप एनी वे पर क्लिक करना है और यहाँ से इसको क्लिक करना है आपको, यहाँ से फिर से नेक्स्ट कर देना है। तो उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो अलाउ का ऑप्शन आ रहा है, तो अलाउ कर देना है, यहाँ पे गो इट पे क्लिक कर देना है। तो सिंपली यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर मेरा जो पास जो FRP का प्रॉब्लम आ रहा था A21 का, वो सिंपली अभी रिमूव हो चुका है। तो मैं इसको सेटिंग पे चलता हूँ और अबाउट फोन में आपको यहाँ पर इसका जो मॉडल है वो दिखा देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर लिखो आ रहा है आईटेल का A21 है और इसका जो वर्जन एंड्रॉयड वर्जन 6.0, ठीक है ना। तो फ्रेंड अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना, क्योंकि मैं हमेशा आप लोग के लिए वीडियो जो हमेशा बनाते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इतना ही, टेक केयर, बाय बाय।